आज के मुसलमान की जहालत कह दो या बेवकूफ़ी कह दो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। एक छोटी सी दवाई भी इंटरनेट पे देख के नहीं ली जाती। कोई पर्चा किसी को फॉरवर्ड कर दे अगर व्हाट्सएप पे, इस मर्ज़ की ये दवाई है, उसे भी बिना तहकीक के बंदा इस्तेमाल नहीं करता। अच्छी तरह के भाई डॉक्टर सब पूछ के इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी जहालत, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कि कोई भी पर्चा अगर चला दे व्हाट्सएप पे सेंड करने लगे, या फिर मस्जिद के बाहर खड़े होकर कोई बटवा दे, या यूट्यूब पे कोई छोड़ दे, या इंटरनेट पे कोई चीज़ मिल जाए, उसे ऐसे फॉरवर्ड करते हैं बिना तहकीक के, इससे बड़ी जहालत और बेवकूफ़ी क्या होगी। ये कि इतना बड़ा पर्चा चल रहा है इस वक्त में और कई साल से चल रहा, इसकी भी तहकीक करने को तैयार नहीं है, अभी भी इतने बेवकूफ़ हो रहे हैं कि फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। वो कौन सा पर्चा है? वैसे तो बेशुमार पर्चे चलते हैं हर बार, लेकिन फिलहाल इस पर्चे के लिए मुतालिक क्लिप बना रहा हूँ। कौन सा पर्चा है वो? कज़ा नमाज अदा करने का बेहतरीन मौका। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस शख्स की नमाज कज़ा हुई हो और तादाद मालूम ना हो, तो वह रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन 4 रकात नफिल एक सलाम के साथ इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 7 बार और सूरह कौसर 15 बार पढ़े। अगर 700 साल की नमाज कज़ा हुई हो तो इसके कफारे के लिए यह नमाज काफ़ी है। प्लीज़ ये मैसेज अभी से सेंड करना शुरू कर दो, ताकि आखिरी जुमे से पहले ये कीमती तोहफा हर किसी को मिल जाए। अब ये देखो, अब इस पर ही मुसलमान इतने खुश कि ओहो हमें तो कज़ा नमाज ख़त्म करने का मौका मिल गया, एक बार में बस ये 4 रकत पढ़ लेंगे और 100 साल तक की नमाज कज़ा वाली सारी ख़त्म। इतनी बड़ी जहालत है। हालांकि रिवायत के अंदर क्या है, जिसने कोई भी ऐसी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मंसूब कर दी जो अल्लाह के सुन ने नहीं बताई, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। और जिसने नई बात भी दीन के अंदर दाखिल कर दी और वो दीन में नहीं है, अल्लाह के रसूल ने उसे नहीं बताया, तो वो हर नई बात शामिल करना बिदत है और हर बिदती का ठिकाना जहन्नम है। अब सोच लो, इतनी बड़ी जहालत फैला रहे हैं, उलमा अंबिया के वारिस है, उनसे तहकीक करने को तैयार नहीं है। दुनिया के मामले में तो जो है तहकीक करते हैं, लेकिन दीन के मामले में तहकीक करने को तैयार नहीं है। और जहालत आम फैला रखी है, खूब वायरल कर रहे हैं बिना तहकीक के, और सोचने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए ऐसी चीज़ें ना फैलाई जाए और बिल्कुल तौबा कर लें इन हरकतों से। एक वो पर्चा चलता है कि भाई जिसने इस पर्चे को इतनी ऐसा बटवा दिया तो उसे इतनी ये खुशखबरी मिलेगी, अगर जिसने नहीं बटवाया तो उसका ये नुकसान हो जाएगा, फ़लाँ ने बटवाया था तो उसके इतने दिन के अंदर इतना पैसा मिल गया, उसकी ऐसी ज़िंदगी बन गई, और फ़लाँ ने नहीं बटवाया था तो उसका ये नुकसान हो गया, उसका फ़लाँ मर गया। तो मुसलमान ऐसे पर्चे मिलने के बाद ऐसे खौफज़दा होकर एकदम बटवाना शुरू कर देते। और कुछ मैसेज ऐसे चलते हैं नेट पर कि भाई अगर इस मैसेज को तुमने फॉरवर्ड कर दिया इतने लोगों को, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी इतनी खुशखबरी मिलेगी, और अगर नहीं फॉरवर्ड करा तो तुम्हें ये मिलेगा, ये नुकसान होएगा तुम्हारा। और ऐसा फॉरवर्ड करते बिना तहकीक के बिल्कुल जहालत, बहुत ही बड़ी जहालत। ऐसे मैसेज आगे फॉरवर्ड ना किया करें बिल्कुल। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, माफ़ फरमाने वाला है, भूल चूक को माफ़ कर देता है। इसलिए अब तक गलती भी तो तौबा कर लें और आइंदा इन हरकतों से बिल्कुल बाज आ जाए हम सब लोग। इसी तरह ईद के मुतालिक फैला रखी बात कि ईद नहीं मनानी, वो कौम का गद्दार है जो ईद मनाएगा। चलो उसे तो तुम कौम का गद्दार मान रहे हो, और अपने आप को नहीं देख रहे, सबसे बड़े गद्दार तुम खुद हो। अल्लाह के साथ गद्दारी कर रहे हो, अल्लाह के साथ बेवफाई कर रहे हो। जो तरीका ईद मनाने का बताया नहीं गया, उस तरीके में तुम ईद मनाते हो। डांस करने को कौन से नबी ने बताया था? कौन सी हदीस में लिखा हुआ है कि डांस करो? कौन से में लिखा हुआ है कि खुराफातें करो ईद के दिन भी? गद्दार तुम अब तक थे, हर साल की तुमने गद्दारी करी अल्लाह पाक के साथ, अपने आप को गद्दार कहने को तैयार नहीं हो, और जो हुकूमत के खिलाफ कोई काम करते उसे गद्दार समझ रहे हो। वाह, कितनी बड़ी जहालत फैला रखी। अब वो अल्लाह के साथ गद्दारी नहीं थी कि ईद के दिन जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में घूमते सारे के सारे, ये नहीं थी गद्दारी। ये फिल्म में देखने जा रहे हैं हर साल कि भाई आज सलमान खान की फिल्म लग रही है, इस साल हर ईद पे लगती थी ना तो उसमें जाते थे, वो नहीं थी अल्लाह पाक के साथ गद्दारी। उस मतलब अपने अंदर को देखने को तैयार नहीं है कि हम कितने गड़बड़ कर रहे थे, और कितनी बड़ी अल्लाह के साथ गद्दारी कर रहे थे, कितनी बड़ी बेवफाई धोखेबाजी। और जो हल्का सा कोई अपने मिजाज के खिलाफ कोई काम करते मुल्क के खिलाफ, उसे गद्दार कहने को तैयार है। ये है सबसे बड़ी जहालत और सबसे बड़ी गद्दारी अल्लाह के साथ। ईद भी कोई मनाई जाती है? गैर मुस्लिम तो कहते हुए अच्छे लगते हैं ये बात कि भाई ईद नहीं मनानी। अरे भाई, ईद कोई त्यौहार थोड़ी है जो मनाया जाएगा। ये तो मुसलमानों की जहालत हो गई आज के कि ईद को भी त्यौहार समझने लगे। ईद कोई त्यौहार थोड़ी है कि इसे सेलिब्रेट करा जाए। ये तो हमने खुद ने जहालत फैला रखी थी इतने साल से, बचपन से लेके अब तक,
कि जो है ईद को सेलिब्रेट करा जा रहा है। ईद कोई सेलिब्रेट करने की चीज थोड़ी थी, ईद तो खुशी का दिन था, ईद क्यों मनाई जाती है? क्या है ईद का मनाने का मकसद, मनाने का क्या मामला है, क्या तरीका है? कुछ भी तो नहीं है। ईद तो है खुशी का मौका है। किस बात की खुशी? कि रमजान मुबारक के रोजे और तरावी के बदले में अल्लाह पाक ने इस बंदे को गुनाह बख्श दिए, तो ये बंदा जो है खुशी मनाए। कैसे मनाए? कि उसमें जो है इधर उधर टहले और इधर उधर गुलछर उड़ाए कि नहीं। क्या खुशी मनाए? कि अल्लाह पाक के सामने शुक्र अदा करे, और जो नेमत का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी नेमत में इजाफा करता है। उसके दिन अल्लाह के उसने बताया कि अच्छे कपड़े पहने जाए, उसमें ये तो नहीं है रिवायत में कि नए कपड़े खरीदे जाए। फिजूल खर्ची के तो इस्लाम में वैसे भी मना करा गया है, फिजूल खर्ची तो इस्लाम में कोई से भी उस पर नहीं है किसी भी मौके पर, बल्कि यहाँ हर मौके पर जितने भी इस तरह के मौके आते हैं जिसे तुम लोग त्यौहार समझते हो, हर मौके पे इबादत की चीज़ें बताई गई है कि ये फितरा निकालो और ये दिवाली इतनी नफिले पढ़ो और ये करा जाए ये करा जाए। फिजूल खर्ची तो कहीं पर नहीं बताई गई। वहाँ तो यूँ कहा गया है अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, ये घर के अंदर जो अपने आपके घर पर कपड़े रखे हुए हो वो अपने जो है साफ सुथरे वाले वो पहन लो। अब ये थोड़ी कि बाजार में जाएंगे, बाजार तो शैतान के अड्डे है। अल्लाह पाक को सबसे बदतरीन जगह बाजार है, और सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद है। मस्जिद पसंदीदा जगह वो तो बंद हुई पड़ी है हमारे लिए, अब बाजार में हम घूमेंगे। तो इसलिए ये बात भी कहना ठीक नहीं है कि ईद नहीं मनानी। भाई ईद तो खुशी का दिन है, उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करा जाएगा, और कुछ उन्हें तंज भी नहीं कसना है अगर किसी ने नए कपड़े जाके खरीद भी लिए। अगर अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए जा रहे थे, जब आप जा रहे थे तो आपने देखा बच्चे खेल रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बहुत खुशी मना रहे हैं, तो आपने देखा एक बच्चा कोने में बैठे है अलग और रो रहा है मासूम सा। अल्लाह के रसूल उसके पास पहुंचे, हे बेटा क्या बात, आप तैयार नहीं हुए? तो वो कहने लगा, या रसूल मैं यतीम मदीना हूँ, मेरा अब्बा का इंतकाल हो चुका है, तो मेरे पास कोई कपड़े वगैरह है नहीं घर पे कि जो मैं पहनता, और कोई है नहीं कि जो तैयार करता मुझे। तो अल्लाह के रसूल ने उसे अपनी गोदी में उठाया और अपने साथ लेकर घर पे पहुंचे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ पर, और जाके कहा हुमैरा कि लो एक इस बच्चे को तैयार कर दो। और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ पर पैगाम भिजवाया अपनी बेटी के यहाँ, ये बेटी हसन हुसैन की उम्र की बराबर का एक बच्चा आया है, उनके अगर कोई कपड़े मौजूद हो अच्छे से तो फौरन भेज दो। तो उधर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हजरत हसन हुसैन में से किसी का कपड़े भेजे अच्छे से अच्छे, और उसके अलावा इधर ही ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तैयार करा, तो बच्चे को कपड़े पहनाकर अच्छी तरह खुशबू लगा के तैयार करा गया। फिर अल्लाह के रसूल से लेके चलने लगे, फिर पूछा, बेटा एक बात बता, जब तू अपने अब्बा के साथ ईदगाह पर जाता था तो कैसे तशरीफ लेके जाता था? वो कहने लगा, या रसूल मेरा अब्बा मुझे कंधे पे बिठा के ले जाते थे। तो अल्लाह के रसूल ने उस बच्चों को अपने कंधे पे बिठा लिया और लेकर गए। जैसे ही उन बच्चों के बीच में से निकले तो सारे बच्चे देख कर अफसोस करने लगे, काश हम भी आज यतीम होते तो हम भी अल्लाह के रसूल के कंधे पर बैठ के आज जा रहे होते। सबके सब रोने लगे। उसके बाद जब अल्लाह के रसूल ईदगाह पे पहुंचे तो वो बच्चा वहां पर जमीन पे बैठ गया, तो अल्लाह के रसूल ने उसे उठाया और अपने पास मिंबर के ऊपर अपने पास में कपड़ा बिछा के उस पर उसके ऊपर बिठाया और फरमाया, जिसका मफहूम है, लोगों जो यतीम के सर पर ऊपर शफकत और मोहब्बत के साथ हाथ फेरेगा तो जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह पाक उन बालों के बकदर उसे नेकी अता फरमाएगा। ये थी ईद। अब क्या है, ईद के दिन की शीर वगैरह ये तो नहीं था कि जो है छोले पूरी पकाया जाए इतना सारा, ऐसा तो नहीं था। बस क्या मीठे का जिक्र है कि भाई खीर पका ली जाए शीर अपना, कि कोई अपना जो है मिलने वाले आते हैं खिलाई जाए। अब ये थोड़ी है कि जो है हमने डांस पार्टी करेंगे तो ईद नहीं है अगर ये नहीं करने के, और इधर उधर घूमने के नहीं तो ईद नहीं है। अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत बनाई थी और हर ऐसा काम से रोक दिया था जिससे उम्मत में फूट पैदा हो, हम भी उम्मत के अंदर फूट पैदा ना करें। हत्ता कि रमज़ान के अंदर जब अल्लाह के रास्ते में सहाबा निकले तो बाज ने रोज़ा रखा बाज ने नहीं रखा, तो लिखा हुआ रिवायत में जिन्होंने रोज़ा रखा तो रोज़ा ना रखने वालों ने उन्हें कुछ नहीं कहा, और जिन्होंने नहीं रखा तो रोज़ा रखने वालों ने उन्हें कुछ नहीं कहा। ये देखो, हत्ता कि बाद में जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा था उन्होंने खूब खिदमत के काम करे, और जिन्होंने रोज़ा रखा था वो ज़्यादा काम कर नहीं पाए। तो बाद में अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस गम्फों में, आज रोज़ा ना रखने वाले रोज़ा रखने वालों से अजर और सवाब में ज़्यादा आगे बढ़ गए। ये देखो, एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने एक जमात रवाना करी और यूँ कहा कि उस जगह जाकर असर की नमाज पढ़ लेना, लेकिन क्या हुआ रास्ते में देर हो गई तो सहाबा कहने लगे भाई यहीं पे पढ़ लो, तो इख्तलाफ हो गया, दो जमातें बन गई। एक कहने लगे कि नहीं वहीं पे जाके पढ़ेंगे अल्लाह के रसूल की बात है, दूसरे कहने लगे नहीं वो वक्त नहीं बचेगा यहीं पढ़ेंगे। तो आधों ने वहीं पढ़ ली और आधों ने अल्लाह के रसूल की बात पे जाके वहीं अदा करी। तो बाद में वो कह रहे हमसे ही, अल्लाह के रसूल के पास बात पहुंची तो आपने फरमाया नहीं दोनों ठीक हो,
जिन्होंने वहां जाके पढ़ी वो भी ठीक, उन्होंने भी ठीक करा, जिन्होंने रास्ते में पढ़ ली ये सोच के कि टाइम ना निकल जाए उन्होंने भी ठीक करा। तो देखो कैसे उम्मत बनाई थी, तो हम भी उम्मत बनाए, ये ना सोचे कि भाई जो अच्छे कपड़े पहनते फिर रहे हैं, नए कपड़े खरीद लिए तो उन्होंने गद्दारी की है और हमने नहीं करे तो हम बहुत बड़ा वफादार है अल्लाह पाक के, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये खुराफातें छोड़ दे, सुन्नत तरीके हर चीज़ के बताए गए हैं, उस तरीके पे चले।